देखिए, तो प्रोडक्ट का कैटलॉग तीन टाइप से आप बना सकते हो। एक को बोलते हैं पेयर, दूसरे को बोलते हैं क्लोन, और तीसरा है नया, है ना। बट सर्विस के कैटलॉग में एक ही तरह बनता है, वो है न्यू। तो हम आज के क्लास में प्रोडक्ट के तीनों पार्ट, क्लोन, पेयर और न्यू, ये कवर करेंगे, और साथ में सर्विस का कैटलॉग भी कवर करेंगे। तो आज हमारा कैटलॉग के बारे में, देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, जेम पे यदि कोई इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा हम बात करेंगे तो वो कैटलॉग है, क्योंकि हर एक से कैटलॉग, जो भी जेम पे काम करेंगे, हर एक कुछ सभी काम से रिलेवेंट है कैटलॉग। कैटलॉग आपको समझ में आ गया तो अप्रोक्सीमेटली आप 50-60% जेम में काम कर लेंगे। तो मेन है यहाँ पे कैटलॉग। कैटलॉग यदि आपका प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हर चीज कैटलॉग के बारे में, तो आपको ज्यादा जेम पे दिक्कत नहीं आएगी। तो समझते हैं कैटलॉग को। सबसे पहले हम लोग कैटलॉग में बात करेंगे पेयरिंग, पेयर करना। पेयर मतलब क्या, पहले ये समझो। यदि जेम के मार्केट में कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि सोलर पैनल, मान लें सोलर पैनल है, हम लोगों ने सर्च कर दिया, अबे सोलर पैनल आ गया, ये सोलर पैनल लग रहा है, हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसका कैटेगरी क्या है, सोलर पैनल फॉर आउटडोर पर्पस, ये इसका कैटेगरी है। ये कैटेगरी ऊपर के ऊपर क्लिक कर दीजिए, तभी सोलर पैनल के जो भी कैटेगरी में जो भी प्रोडक्ट है वो आपको दिखना यहाँ पे चालू हो जाता है। और ये Q3 कैटेगरी का है, हम लोग Q2, Q3, Q4 इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो ये हमारा कैटेगरी यहाँ पे पता चल गया। चलिए हम लोग अभी सोलर पैनल है, अभी मार्केट में ये प्रोडक्ट है, जो भी सभी प्रोडक्ट्स यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल है। अभी ये येलो स्टार ब्रांड का है, ये रितिका का है, ये लूम स्टार का है, ऐसे अलग अलग ब्रांड के अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। अभी आपको यही प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट आपको भी बेचना है, सेम ब्रांड का, सेम स्पेसिफिकेशन का आपको भी ये प्रोडक्ट बेचना है। ये प्रोडक्ट आपके पास भी है, सेम मॉडल, सेम ब्रांड, सेम पिक्चर्स के, सब कुछ सेम, यही सेम टू सेम प्रोडक्ट यदि आप भी सेल करना चाहते हो जेम पे, तो हम लोग इस प्रोडक्ट को, प्रोसेस को बोलते हैं पेयर। मतलब जो मार्केट में प्रोडक्ट है उसी को हम पेयर करके, या मैं समझ लो कॉपी करेंगे और मेरे प्रोफाइल में लिस्टिंग कर देंगे, इस प्रोसेस को हम लोग पेयर बोलते हैं। क्लियर है पेयर मतलब? ये 1+9 5G कौन है? 1+9 5G सर, मैंने कल, हैं सर, आपने कल भी बताया था, प्लीज आप लोग नाम से कनेक्ट कीजिए। सर जब आप लोग लॉग इन करते हैं तो वहाँ पे नाम आता है, वहाँ पे प्रॉपर नाम डालेंगे। अभी तो मैंने कर दिया चेंज, पर आगे से ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है, तो ये हमारा, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर। अब जैसे इसको खोला और यही ब्रांड का, सेम मॉडल का हमें बेचना है, तो हम इस प्रोसेस को, यही वाला प्रोडक्ट को हमारे प्रोफाइल में लिस्टिंग कर लेंगे। तो हमारे प्रोफाइल में लिस्टिंग करने को हम क्या बोलेंगे, पेयर। अभी और कितने लोगों ने इस प्रोडक्ट को पेयर किया है, तो व्यू सेलर डिटेल्स यहां से मिलेगा। ये प्रोडक्ट को सिर्फ एक ही लोगों ने पेयर किया है, एक ही आदमी ने 5760 रुपया में ऑल ओवर इंडिया बेच रहा है। इसके पास स्टॉक है 1500 क्वांटिटी और मिनिमम ये 1000 रुपीज में बेच रहा है। ये 1000 क्वांटिटी मिनिमम है, ये 1000 से कम ये प्रोडक्ट नहीं देगा और 1500 से ऊपर ये नहीं दे सकता। और ऑल ओवर इंडिया ये सेल करना सकेगा और ऑफर प्राइस इसका है 5760 रुपया में देगा, ठीक है। और इसके MRP है 6400, ये इसका MRP है, जो 5760 रुपये में ऑफर कर रहा है। यहाँ पे ये सभी चीजें अपने को पता चल जाता है। और ये कौन बेच रहा है, खुद OEM, OEM मतलब मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरर है वो इस प्रोडक्ट को खुद बेच रहा है ना, इसको हम लोग OEM बोलते हैं। इसलिए सोल्ड बाय क्या बोल रहा है यहाँ पे, OEM मतलब मैन्युफैक्चरर इस प्रोडक्ट को खुद बेच रहा है। अब इस प्रोडक्ट को आप भी बेचना चाहते हो, यही वाला सेम प्रोडक्ट इसी ब्रांड का आपके पास है, तो हम इस प्रोडक्ट को कॉपी करेंगे, अपने प्रोफाइल में लिस्ट कर सकते हैं। जब अपने प्रोफाइल में हम लिस्ट करेंगे यही सेम प्रोडक्ट, तो हम उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। जब सेम प्रोडक्ट हम भी बेचेंगे तो इस प्रोडक्ट का मॉडल बदलेगा, मॉडल नंबर सेम ही रहेगा,
मान लीजिए आप कहीं से एचपी का एक लैपटॉप उठा के लेके आए, तो एचपी का वही लैपटॉप आप भी बेच रहे हो और अमित सर भी बेच रहा है, डिंपल मैडम भी वही लैपटॉप बेच रही है, तीनों का तीनों सेम ब्रांड सेम मॉडल का लैपटॉप बेच रहे हो, तो क्या सबके पास क्या मॉडल नंबर अलग अलग रहेगा? जब सेम मॉडल है सेम प्रोडक्ट है तो सबका मॉडल एक रहेगा, तो हम इसमें कोई मॉडल उसका चेंज नहीं कर पाएंगे। ब्रांड यदि लेनोवो का है तो सबके पास आपके पास भी लेनोवो का होगा, तो आप ये ब्रांड भी चेंज नहीं कर पाएंगे, नाम भी चेंज नहीं कर पाएंगे, फोटोज भी वही रहेगा, फोटोज भी चेंज करने का परमिशन नहीं मिलेगा, और इसके स्पेसिफिकेशन भी वही रहेंगे। जैसे वो i3 है 8 GB रैम के साथ आता है, तो आपके पास भी प्रोडक्ट जो रहेगा वो i3 ही रहेगा, 8 GB रैम के साथ ही आएगा, है ना, तो स्पेसिफिकेशन भी नहीं बदलेगा। तो क्या क्या बदलेगा? हमारे पास जो बदलने के लिए मिलेगा वो है ऑफर प्राइस। हाँ, हो सकता है डिंपल मैडम उस लैपटॉप को 50,000 रुपये में ऑफर कर रहा है, पर अमित सर उस लैपटॉप को हो सकता है कि 48,000 में ही ऑफर कर दे रहा है। लोकेशन आप बदल सकते हो, जैसे अमित सर को लग रहा है कि वो फिर दिल्ली में बेचना चाहता है, पर डिंपल मैडम को लग रहा है कि मैं ऑल ओवर इंडिया बेचना चाहता हूँ, तो डिंपल मैडम ऑल ओवर इंडिया बेच सकते हैं। अमित सर के पास स्टॉक कम है, उसके पास 10 से ज्यादा स्टॉक नहीं है, तो डिंपल मैडम के पास हजारों में स्टॉक है, तो स्टॉक आपका कम ज्यादा हो सकता है, मिनिमम क्वांटिटी कम ज्यादा हो सकता है, तो ये सभी चीजें आप चेंज कर पाएंगे। ऑथराइजेशन नंबर अलग अलग होगा दोनों को, जो लेनोवो से ऑथराइजेशन है दोनों अलग अलग हो सकता है, तो ये सब चीजें बदल पाओगे, पर ना इसका मॉडल बदल पाओगे, ना प्रोडक्ट का नाम बदल पाओगे, ना स्पेसिफिकेशन, ना पिक्चर, क्योंकि आप सेम प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो। जब सेम प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। क्लियर है पेयर मतलब, या कोई डाउट्स है? तो मैं यहाँ पे एक लॉगिन हो जाता हूं। बोलिए, मार्केट में आप लोग जो बोलेंगे उसमें से मैं कोई एक प्रोडक्ट उठा लूंगा। हम लोग अभी बात किसका कर रहे हैं, क्लोन और न्यू का बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पेयर का बात कर रहे हैं, और पेयर कौन सा प्रोडक्ट का होगा, जो मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट अवेलेबल है वो, हम लोग उसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो बोलिए किसका कोई है तो बताइए। हाँ सुबोध सर बताइए। सर आप पेयर बता रहे हो, ठीक है, तो हमें दूसरी ये जो स्पेसिफिकेशन है ये बस कॉपी करना है, या कोई कंपनी हमें गाइड करती है कि ये तुम्हें स्पेसिफिकेशन ऐड करने? नहीं, आपको कंपनी, आप क्या सर यहाँ पे कौन गाइड करने के लिए नहीं है, अभी आपका प्रोडक्ट क्या है, तो नहीं, आप नहीं, अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको उसका नॉलेज आपके पास होगा, राइट राइट राइट, तो नहीं बट मैं ये बोल रहा हूँ देख सकते हाँ कि अगर सेम प्रोडक्ट है, ठीक है, आप भी ऐड कर रहे हो और मैं भी ऐड कर रहा हूँ, बट आप और हम, मैंने अगर डिटेल में वहाँ पे स्पेसिफिकेशन ऐड किए हैं और आप अपने अगर इन डिटेल नहीं किए, ठीक है, तो वहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं ना सर? सर ऐसा यहाँ पे होता ही नहीं, यहाँ पे हर डिटेल्स को भरना मैंडेटरी है, ओके, और आप यहाँ पे अलग से कोई डिटेल्स डाल ही नहीं सकते। ओके, मान लीजिए एक एज एग्जाम्पल लैपटॉप है, तो लैपटॉप i3 में आता है, i5 में आता है, i7 में आता है, i9 में आता है, i10 में आता है, i11 में आता है, i12 में आता है, तो आपको वहाँ पे i13 का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा और i2 का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो और हर चीज आपको डालना मैंडेटरी, तो यहाँ पे वो गलत नहीं होता। धनिश्री मैडम, अभी हम लोग OEM के बारे में बात नहीं कर रहे, हम लोग आगे OEM के बारे में बात करेंगे, फिलहाल हम लोग एज ए प्रोडक्ट रीसेल कर रहे हैं, मार्केट में जब कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको रीसेल करेंगे, रीसेलर के बारे में बात कर रहे हैं। OEM के लिए पेयर का ऑप्शन सही नहीं, OEM हमेशा नया प्रोडक्ट बनाएगा क्योंकि उसका खुद का यूनिक प्रोडक्ट है, तो वो नया ही डालेगा।
चलो क्लियर है, बोलिए किसी का कौन सा प्रोडक्ट ले लो बताइए, कोई भी प्रोडक्ट बताइए किसी का। सोलर स्ट्रीट लाइट। सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर स्ट्रीट लाइट, ठीक है, सोलर स्ट्रीट लाइट लुमिनर, हम लोग ये कैटेगरी का प्रोडक्ट ले लेते। तो ये कैटेगरी में पिक्चर्स वगैरह दिख रहा है, ये परफेक्ट है हमारे लिए, हम ये प्रोडक्ट में डालना चाहते हैं। बोलिए आप कोई ब्रांड, कोई स्पेसिफिक ब्रांड है जिसका डालना चाहते हैं प्रोडक्ट? नो। हाँ सर, नहीं स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है। कोई ब्रांड नहीं, कुछ भी चलेगा, है ना। तो मैं कोई भी प्रोडक्ट, मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट, कोई स्पेसिफिकेशन है जिसका आप डालना चाहते हैं, पावर ऑफ लाइट, बैटरी वगैरह? हाँ, या कुछ? हाँ, 12 वाट का लाइट है। 12 वाट का लाइट है ना, तो 12 वाट का 12 वाट में 207 प्रोडक्ट अवेलेबल है। हाँ, और बोलिए। अच्छा, 36 एच की भी PO4 बैटरी है। ओके, 36 में, 12 में 36 एच में प्रोडक्ट कितना है देखो, सिर्फ 6 प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है फिलहाल, है ना। कौन कौन सा ब्रांड का अवेलेबल है ये आपको यहाँ पे दिखा। 75 वाट का पैनल है। 75 वाट का पैनल है, यहाँ पे पैनल दिखेगा मुझे, पैनल 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 सोलर पैनल। हाँ, सोलर पैनल ना, नंबर ऑफ लाइट, टीवी मॉडल ऊपर का टीवी मॉडल 75 में ही अवेलेबल है, दूसरा में अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो मुझे ये डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि टीवी मॉडल 75 में, आपका जो स्पेसिफिकेशन में मार्केट में फिलहाल वो 75 में ही अवेलेबल है। ओके, अब इसमें कौन कौन से ब्रांड है? एनएटी ग्रीन्स का है, 2 प्रोडक्ट है, एनए मतलब अनब्रांडेड, अनब्रांडेड का एक प्रोडक्ट है, रोबा कंपनी का है, लूम सोलर का है और सुदीप का है। ऐसे 6 प्रोडक्ट सिर्फ, जो सर ने स्पेसिफिकेशन बोला, इसमें 6 प्रोडक्ट अवेलेबल है। अभी बोलिए मैं किस प्रोडक्ट को पेयर करूंगा, कौन सा प्रोडक्ट बोलिए सर? रोबा सोलर, लूम सोलर, क्या ये रोबा? रोबा, रोबा ये वाला है ना, तो ये प्रोडक्ट को हमको पेयर करना है। अभी ये बेच रहा है 15998 में, तो हम इसका प्रोडक्ट का डिटेल्स और देख लेते हैं, ओपन इन न्यू टैब। चलिए अभी हम लोग इसका प्रोडक्ट का डिटेल्स देखेंगे, है ना। देखो यहाँ पे व्यू सेलर डिटेल्स, अभी जो बेच रहा है ये ऑल ओवर इंडिया बेच रहा है, कितने में? 21,000 में। सिर्फ जम्मू में कोई बेच रहा है वो है 15,998 में। कहाँ बेच रहा है? गुरु एंटरप्राइजेस। सर आपकी बाहर से डिस्टर्बेंस काफी आ रहा है, यदि आप अनम्यूट करके रखेंगे, म्यूट करके रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, और अनम्यूट करके रखेंगे तो बाहर का डिस्टर्बेंस मत कीजिए। ओके, कहाँ से मिला मुझे? यहाँ से व्यू से प्रोडक्ट खोला मैंने और व्यू सेलर डिटेल्स मिले, तो यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया कोई 21,000 में बेच रहा है, और सिर्फ जम्मू में कोई बेच रहा है 15,998 में, मतलब अप्रोक्स 16,000। यदि हम लोग इसके स्टॉक की बात करेंगे तो ये मिनिमम 5 क्वांटिटी के साथ है, अवेलेबल इसके पास 40 है, 40 से ज्यादा का ऑर्डर इसको नहीं मिलेगा और 5 से कम का ऑर्डर इसको नहीं मिलेगा। इसके पास 4,126 से ऊपर ऑर्डर नहीं मिलेगा और मिनिमम इसके पास 1 है, मतलब इसको कोई भी ऑर्डर मिल सकता है 4,126 क्वांटिटी तक, ठीक है। अभी बोलो, अभी जैसे मेरा है बायर, मान लो मेरे पास हमको जो बेचना है वो हम महाराष्ट्र में बेचना चाहते हैं, तो मैं महाराष्ट्र में जब बेचना चाहता हूं तो मेरे लिए बेस्ट प्राइस क्या हो जाएगा यदि मुझे ऑर्डर चाहिए तो? ऑल ओवर इंडिया ये 21,000 बेच रहा है, इससे यदि मैंने 1 रुपया कम कर दिया तो मुझे कहीं से भी ऑर्डर, मतलब महाराष्ट्र सिर्फ जम्मू छोड़ के मैं कहीं पर भी बेच सकता हूँ 21,000 से 1 रुपया कम पे, 21 रुपीज से 1 रुपया कम पे मैं इस प्रोडक्ट को कहीं पर भी बेच सकता हूं और मुझे ऑर्डर्स मिलेंगे। सिर्फ जम्मू कश्मीर से ऑर्डर नहीं मिलेगा क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए किसी का बेस्ट प्राइस 15,998। अमित सर बोलिए। सर ये जो प्राइस मेंशन है इसमें डिलीवरी चार्जेस भी इंक्लूडेड होते हैं, मतलब अगर कुछ इंक्लूडिंग जीएसटी, डिलीवरी, इंस्टॉलेशन वगैरह रहेगा, सब कुछ इंक्लूडिंग, टेस्टिंग वगैरह यदि कुछ रहेगा सब इंक्लूड। थैंक यू, थैंक यू सर। ठीक है, तो मैं इसको बेचना चाहता हूँ एज ए एग्जाम्पल, मान लो कहाँ कितने मेरा बेस्ट प्राइस कितना है, यदि मैं सिर्फ महाराष्ट्र में बेचना चाहता हूँ तो मेरे लिए बेस्ट प्राइस है 20,999।
तो मैं इसको बेच के दिखाता हूँ। इसको करते हैं कैसे करेंगे पेयर, देखो हमको इस प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया, हम इसको करेंगे सेल दिस आइटम, यहाँ पे सेल दिस आइटम। और एक चीज ध्यान देना है, रीसेलर नॉट वेरीफाइड बाय ओएम और कैटलॉग नॉट वेरीफाइड बाय ओएम, यदि ये दोनों नॉट वेरीफाइड रहा तो इस प्रोडक्ट को पेयर करने के लिए आपको कोई ऑथराइजेशन नंबर नहीं लगेगा। विदाउट एनी ऑथराइजेशन आप इस प्रोडक्ट को पेयर कर सकते हो, बट यहाँ पे यदि कैटलॉग वेरीफाइड बाय ओएम रहा तो इस प्रोडक्ट को पेयर करने के लिए 100% ये ओएम जिस कंपनी, जो कंपनी है उस कंपनी से आपको ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। वो ब्रांड, ये कंपनी जब तक आपको अप्रूवल नहीं देगी तब तक आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं होगा। तो ये कंपनी का, ये रोबा ब्रांड का हम कोई भी प्रोडक्ट को लिस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रीसेलर नॉट वेरीफाइड और कैटलॉग दोनों नॉट वेरीफाइड बाई ओएम। तो देखो हम लोग पेयर कैसे करेंगे, इसी प्रोडक्ट को मेरे प्रोफाइल में लिस्ट करता हूँ, इसको करेंगे सेल दिस आइटम, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ओके देखो जेम कैटलॉग एग्जिस्ट विद जेम कैटलॉग आईडी, डू वांट टू पेयर इट, पेयर विद, यस ओके आ गया। हमारे लिए ये सब जो ऑप्शन है ब्लॉक हो गया, जनरल इंफॉर्मेशन, कैटलॉग इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन और अपलोड इमेज, ये जो पांच ऑप्शंस में चार ऑप्शंस ब्लॉक कर दिया, क्योंकि हम लोग इस प्रोडक्ट को सिर्फ पेयर कर रहे हैं, इससे कॉपी करके मेरे प्रोफाइल में लिस्टिंग कर रहे हैं। सिर्फ मुझे जो भरना है वो है ऑफर क्वांटिटी एंड प्राइस, यही हमारे लिए ऑप्शंस ओपन रहेगा, तो हम यहाँ पे अपना डाल सकते हैं। मैं इस प्रोडक्ट का एज ए रीसेलर हूँ इसलिए रीसेलर ऑप्शन आ रहा है, ऑथराइजेशन नंबर मांग रहा है, बट मैंने आपको क्या बोला था, ऑथराइजेशन नंबर जब रीसेलर नॉट वेरीफाइड और कैटलॉग नॉट वेरीफाइड रहेगा तो आपको ऑथराइजेशन नंबर की जरूरत नहीं, आप कुछ भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे एन डाल देता हूँ, ऑथराइजेशन से एन, डेट भी आप अपने अकॉर्डिंगली डाल दीजिए, इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। चलिए 31 डाल दिया। कंट्री ऑफ ओरिजिन, कहाँ का ये ओरिजिन है, इंडिया, ये मेक इन इंडिया के तहत है क्या, मेक इन इंडिया के बारे में हम लोग डिटेल्स में आगे बात करेंगे, फिलहाल हम लोग इसे यस कर देंगे। तो जिसने प्रोडक्ट लिस्टिंग किया था उसने 81% मेक इन इंडिया डाला था, वो ऑटोमेटिकली आ गया। इसको बोलते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट, मैंडेटरी, देखो ये स्टार मार्क है, इसको स्टार मार्क नहीं है तो ये मैंडेटरी नहीं है। मान लीजिए स्टॉक कीपिंग यूनिट है क्या वो समझो, मान लो आप कोई इन्वेंट्री वगैरह मेंशन करते हो, जैसे कि यूनिक कोड बोलते हैं इसको, है ना, यूनिक कोड गिवन बाय सेलर, कोई आप इन्वेंट्री इन्वेंट्री को मेंटेन करते हो और इसके लिए इस प्रोडक्ट का कोई यूनिक कोड रखा है, तो वो कोड आप यहाँ पे अपने सिर्फ खुद के प्रपोजल के लिए रख सकते हो, पर कोई मैंडेटरी नहीं। HSN कोड जो आपको GST के इससे मिलता है ना, तो आपके पास है तो डाल सकते हो, नहीं है तो छोड़ सकते हो, मैंडेटरी नहीं है तो फिलहाल मैं इसको छोड़ देता हूँ। MRP 29,700 है, वो ऐसा ही रहेगा, इसलिए ये ऑप्शंस ब्लॉक है। अभी हम लोग ऑफर प्राइस बदल सकते हैं, तो हमने ऑफर प्राइस डाला था 20,999, ओके डाल दिया इसको, जैसे 21,000 बेच रहा उससे 1,000 कर दिया। ये स्लैब है, आप चाहो तो डिस्काउंटेड स्लैब भी ऐड कर सकते हो। देखो हम इस प्राइस को 30 डेज तक इंक्रीज नहीं कर सकते, एक बार जो डाल दिया कि 30 दिन तक इस प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज आप नहीं कर पाएंगे। अभी हम यहाँ पे डिस्काउंट स्लैब भी डाल सकते हैं, जैसे कि कोई प्रोडक्ट हमसे एक परचेज करेगा तो 20,999 ही दिखाएगा, बट मेरे से कोई परचेज, कोई मेरे से 10 से लेके 100 तक परचेज करता है, मैं उसको डिस्काउंट देना चाहता हूँ, एडिशनल में 10% डिस्काउंट देना चाहता हूँ, इसके ऊपर 10% डिस्काउंट प्राइस हो गया 18,899, ये प्राइस मेरा आ जाएगा। कोई मेरे से सिंगल प्राइस परचेज करता है तो उसको प्राइस क्या दिखेगा, 20,999, पर कोई प्रोडक्ट मेरे से 10 परचेज करता है तो उसका रेट आएगा, एक पीस का आएगा 18,899, क्योंकि मैं 10% उस पर डिस्काउंट दे रहा हूं। सेम हम यहाँ पे 3 स्लैब में ऐड कर सकते हैं, 100 से लेके 200 तक कोई मेरे से परचेज करता है तो मैं इसको 15% का डिस्काउंट देता हूँ। अभी जैसे ही वो 101 क्वांटिटी जैसे 200 के बीच कोई भी क्वांटिटी बायर ने डाला तो मेरा प्राइस 20,000 नहीं दिखाएगा, उनको प्राइस दिखाएगा 17849 एक का प्रोडक्ट का, उसके हिसाब से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा।
सेम हम लोग तीन स्लैब ऐसे ऐड कर सकते हैं आपको लग रहा है तो, नहीं ऐड करना है आपको लग रहा है कोई मेरे से एक क्वांटिटी परचेस करे या 1,00,000 क्वांटिटी परचेस करे, मेरा ऑफर प्राइस 20,999 ही रहेगा, तो आप इसको स्लैब को ऐड करना नहीं है। यदि आपको लग रहा है तो आप ऐड कर सकते हो, नहीं है तो आपको जरूरत नहीं। कहां पे बेचना चाहते हो, तो मैं महाराष्ट्र में बेचना चाहता हूँ, और कहीं बेचना चाहते हैं, मैं इसको गोवा में बेचना चाहता हूँ, और कहीं मैं उत्तराखंड में बेचना चाहता हूँ, आप जहां पे बेचना चाहते हैं डाल सकते, ऑल ओवर इंडिया बेचना चाहते, तो नॉर्थ जोन सेंट्रल ऐसे करके पूरे को टिक कर दीजिए, तो आपका ये प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया सेल हो जाएगा। कोई आपको जगह नहीं चाहिए तो आप उसको अनटिक कर सकते हो, है ना? ओके, साथ में कोई डिस्ट्रिक्ट, आपको महाराष्ट्र और गोवा का तो हर एक डिस्ट्रिक्ट हर एक जगह कवर हो गया, ये छोड़ के आपको लग रहा है कहीं मुझे बेचना और है, जैसे मुझे लग रहा है दिल्ली में भी मुझे बेचना है, मैं सेंट्रल दिल्ली पूरे दिल्ली नहीं बेचना चाहता, सिर्फ सेंट्रल दिल्ली में बेचना चाहता, तो आपका प्रोडक्ट कहां सेल होगा? गोवा, महाराष्ट्र और सेंट्रल दिल्ली, दिल्ली पूरा नहीं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट। आपको लग रहा है कि नहीं मुझे मेरा प्रोडक्ट महाराष्ट्र में पूरे नहीं बेचना है, अभी यहाँ महाराष्ट्र ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं पूना डिस्ट्रिक्ट का नाम डालता हूँ, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर ही पूना डिस्ट्रिक्ट है, हम पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र में सेल कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट इसीलिए पूना डिस्ट्रिक्ट नहीं आ रहा है, बट मैं यहाँ से जैसे ही महाराष्ट्र निकाल दूंगा फिर मैं यहाँ पे पूना सर्च करूंगा तो मुझे पूना मिल जाएगा। ओके, मुझे पूना, सातारा, मुंबई, तीन डिस्ट्रिक्ट में मुझे बेचना है, फिर मैं ऑल ओवर महाराष्ट्र चूज नहीं करूंगा, वो खाली डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज कर लूंगा। अभी यही दूसरा डिस्ट्रिक्ट मेरे पास सोलापुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां का कोई बायर यही प्रोडक्ट सर्च करेगा तो मेरा रेट उनको नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं उसके एरिया में बेच ही नहीं रहा हूं। आगे चलते हैं, 15 दिन आपके पास स्टॉक कितना है, या 15 दिन के अंदर आप कितना स्टॉक दे सकते हो मैक्सिमम, तो मैं 100 क्वांटिटी तक दे सकता हूँ, कम से कम कितने का ऑर्डर चाहिए, मिनिमम में 1 क्वांटिटी भी डिलीवर कर सकता हूँ। लीड टाइम फॉर डायरेक्ट परचेज, यदि आपको डायरेक्ट ऑर्डर आया तो कितना दिन कम से कम आपको लगेगा, 1 से 10 के बीच है, तो हम कभी भी मैक्सिमम सेफर साइड ले रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे 10 दिन डाल देता हूँ, इसमें लिखा है 1 से 10, इसलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, इसको करता हूँ सेव एंड प्रोसीड। ठीक है, अभी यदि कोई गलत है तो मुझे यहाँ पे रेड कलर से टिक हो जाता था, पर कोई भी चीज गलत नहीं है, परफेक्ट है, इनकम्प्लीट है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए इनकम्प्लीट आ। बोलिए कोई डाउट्स है इसमें तो बताइए, ये पूरे प्रोसेस में कोई डाउट्स है तो मुझे बताइए, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। हाँ सुबोध सर बताइए। सर जो 10 डेज का पीरियड है डिलीवर करने का, तो वो हम इंक्रीज भी कर सकते हैं कोई प्रोडक्ट को लेके? नहीं नहीं, ये बाय डिफॉल्ट है। ओके, तो बाय डिफॉल्ट हमें 10 डेज में कोई भी ऑर्डर उनको डिलीवर करनी ही है? नहीं, कोई भी नहीं, हर एक कैटेगरी का प्रोडक्ट का ये लीड टाइम अलग अलग होगा। ओके, अभी ये सोलर का है इसलिए इसको 10 दिन है, हर एक कैटेगरी के ये टाइम्स वगैरह अलग अलग चेंज होंगे। ओके, वो ऑटोमेटिकली वहां पे जनरेट होगा, 45 डेज मिलता है। ओके ओके, सतीश सर। सर जैसे हम पेयर करते हैं ना स्टार्टिंग में, आपने पेयर कर, सतीश सर आवाज नहीं आ रही शायद सतीश सर का आपने को। चलिए नेक्स्ट, और किसी को कुछ डाउट्स है? और तो हम इसको 7 प्रोसीड किए, आके आते हैं रिव्यू टर्म्स एंड। देखो आप लोग ये सबसे ज्यादा मिस्टेक करता है, हम बार बार समझाते हैं फिर भी मेरे अभी आगे आप लोग में ही कोई फिर मुझसे पूछेगा, सर मैंने ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया है बट मेरा प्रोडक्ट लिस्टिंग ही नहीं हो रहा है। लिस्टिंग नहीं होगा क्योंकि आपने इसका आगे का रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं किया, यहां तक छोड़ देते, इसको ऐसा नहीं करना है। रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन में क्लिक करना है, एक नया टैब खुल जाएगा कंडीशन का, इसको देर क्लोज कर दो और फिर आगे इसको एक्सेप्ट करो और फिर यहाँ पे कैप्चर डालो, अब तक ये प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं होगा। ठीक है, और इसको फिर पब्लिश पे क्लिक करो,
जब तक आपको अभी जो विंडो आ रही है विंडो नहीं आता तब तक आपका प्रोडक्ट पब्लिश नहीं होगा। देखो यहाँ क्या लिखा रहा है, ये विंडो आना चाहिए। ग्रेट, योर प्रोडक्ट इज सक्सेसफुली अपलोडेड एंड विल बी पब्लिश्ड। क्लियर लिख रहा है, जो आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुली लिस्ट पब्लिश अपलोड हो चुका है एंड ये पब्लिश हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा? तो 4 से 6 घंटा इसको रिफ्लेक्ट होने में टाइम लग सकता है। जनरली 4 to 6 hours लगेगा जेएम पे इसको अप्रूव, मतलब लिस्टिंग होने में जेएम के मार्केट पर, ये हो जाएगा 100%। ओके, तो हमको ये प्रोडक्ट जो लिस्टिंग होगा कहां दिखेगा? डैशबोर्ड्स में। कहां दिखेगा? देखो मैं फिर से जाता हूं, इसको क्लोज किया, देखो लॉग आउट हो गया हम यहां से, यहां पे डैशबोर्ड में जाते हैं। कहां पे दिखेगा ये प्रोडक्ट? जब आपका लिस्टिंग हो जाए, कैटलॉग, प्रोडक्ट, सर्च माई ऑफरिंग। कहां पे? कैटलॉग, प्रोडक्ट, सर्च माई ऑफरिंग, यहां पे देखो। ये अभी तक पब्लिश नहीं हुआ शायद, देखो यहां पे पड़ा है वेटिंग फॉर एडमिन क्लियर्स। थोड़ा जनरली हो जाता है, सर्वर में कोई प्रॉब्लम है इसलिए, नहीं तो 2-4 सेकंड में हो जाता है। अभी तक आया नहीं, यहीं पर पड़ा है, तुरंत आ जाएगा। जैसे ये पब्लिश हो जाएगा आपको यहाँ दिखना चालू हो जाएगा पब्लिश एडमिन क्लियरेंस में है तो प्रॉब्लम नहीं। यदि ओएम क्लियरेंस में गया तो ये प्रोडक्ट, जब तक ये ब्रांड, ये कंपनी आपका ये प्रोडक्ट को वेरीफाई नहीं करेगा, ये ब्रांड, तब तक ये प्रोडक्ट आपका पब्लिश नहीं होगा। अभी तक नहीं, ठीक है, तब तक कुछ क्वेरी है देख लेता हूँ। मेहबूब सर बताइए। सर जो हमने रेट डाला है वो हमें हमेशा, जैसे इसमें 21,000 था जो पहले था रेट स्पेसिफाइड, तो हमें उससे कम ही डालना है ताकि हमारा ज्यादा डालेंगे तो आपको ऑर्डर कभी नहीं मिलेगा। आपको जो डायरेक्ट ऑर्डर चाहिए तो फिर आपको कम डालना पड़ेगा। ज्यादा ऑर्डर डालेंगे तो, जो मैंने आपको कल के क्लास में ही देखो बताया था, जो बायर के लोकेशन में जो सबसे कम प्राइस होगा बायर को उसी को ऑर्डर देने को जमेगा। हाँ जी सर, हाँ जी, सर वो 2 क्राइटेरिया आप बता रहे थे वापस एक बार रिपीट करेंगे सर, जिससे हम लोग वो डुप्लीकेट कर सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट? नहीं समझा, कौन सा सर? सर हम लोग ने जो चूज किया अभी प्रोडक्ट डुप्लीकेट करने के लिए, तो हम लोग ने 2 क्राइटेरिया चेक किया ना, कि अगर 2 ये नॉट हो तो ही हम लोग इसको डुप्लीकेट कर सकते। हाँ हाँ हाँ, उसको ओके ओके, हाँ हाँ, ये रीसेलर और कैटलॉग नॉट वेरीफाइड बाय। हाँ अभी मैं और एक प्रोडक्ट लेकर दिखाऊंगा, तो मैं बताता हूँ। ओके सर, और एक दिखाता हूँ मैं, यार इतना टाइम नहीं लगता है जनरली, 10 बहुत हो गया, 10 सेकंड, 10 सेकंड से ऊपर नहीं लगता है। जेब में कोई प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो मुश्किल से 10 सेकंड आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग हो जाता है। सतीश सर बोलिए। सर हमारी ना लाइट चली गई थी तो पता नहीं लगता है पीछे का, जो आपने बताया ना अभी थोड़ा सा निकल गया। हाँ ठीक है, मैं अभी और एक बार उसको एक थोड़ा रिपीट करूंगा। हाँ, लाइट चली गई थी। बोलिए, और किसी को कोई डाउट्स कुछ पूछना है? जयदीप सर। हाँ, ये OEM क्लियरेंस वो OEM कंपनी देगी कि हमें क्लियरेंस लेना कंपनी पड़ेगा? कंपनी जो, हाँ अभी आपको लेना पड़ेगा, वो कंपनी जब तक ये वेरीफाई नहीं करेगी तब तक ये प्रोडक्ट यहीं पड़ा रहेगा। मतलब मैंने अपने कैटलॉग में लिया तो उसके पास सीधा चला जाएगा? उसके पास चला जाएगा, अभी वो इसको वेरीफाई करेगा तो ही ये प्रोडक्ट आपका पब्लिश में जाएगा। यदि आपने उसने वेरीफाई नहीं किया तो ये नोटिफाइड प्रोडक्ट में, इन्वेंटरी नोटिफाइड में चला जाएगा। OEM means original equipment manufacturer, जो मैन्युफैक्चरर है उसको हम लोग OEM बोलते हैं। हाँ सेम होगा, पेयर करने का प्रोसेस सेम होगा, चाहे वो अनब्रांडेड हो या ब्रांडेड हो। डिंपल मैडम। सर ये जो हमने कल प्रोसेस की कौशल मनी तक, उसके बाद हम लिस्टिंग कर सकते हैं ना? हाँ, एक बार आपका कौशल मनी हो गया, एक बार पूरा कंप्लीट होगा प्रोफाइल, तो आप बाद में प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं। तो वो असेसमेंट और उसकी जरूरत अभी नहीं? नहीं उसकी जरूरत नहीं। सुबोध सर। कभी ऐसा होता है कि ऐसा प्रोडक्ट है जो ब्रांडेड है, ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है कि जो
CNF है या फिर कोई कंपनी पर्सन है तो अंडर कटिंग में हमें उससे भी अच्छे रेट मिलते हैं, ठीक है। हेलो, हाँ बोलो बोलिए। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि उनसे भी अच्छे रेट हमें मिलते हैं अंडर कटिंग में, ठीक है। हाँ. तो अगर वो ब्रांडेड प्रोडक्ट अगर मुझे लिस्ट आउट करना है, ठीक है, इवन जो रेट उनके कंपनी के रेट है उनके उससे भी कम प्राइस में, ठीक है। हाँ, हाँ. तो मुझे कंपनी से परमिशन लेना पड़ेगा वो चीज का? डिपेंड ओईएम के ऊपर। ओके, मैं वो प्रोडक्ट में क्या है मैं आपको बोल रहा हूँ, यदि दोनों नॉट वेरीफाइड है तो विदाउट परमिशन हो जाएगा। yes. यदि वेरीफाइड है तो फिर परमिशन के लिए जाएगा ही जाएगा उसके पास। ओके ओके, तो इवन उनके परमिशन के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा? नहीं, यदि उसमें वेरीफाइड है, ओईएम वेरीफाइड कैटलॉग है तो उससे परमिशन लेना ही पड़ेगा। एक्चुअली ये अभी यहाँ पे ठीक है, बट जहाँ मैं फार्मास्यूटिकल से आता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट प्रोडक्ट कंपनी के होते हैं, मीन्स ब्रांडेड प्रोडक्ट, ठीक है। तो वहाँ पे तो ऑलमोस्ट ये चीजें होती है कि सब वेरीफाइड ही होते हैं, ठीक है। जो अनब्रांडेड होते हैं तो उनका तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं देखो सर, ये रूल्स है। ओके, अभी आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो यानी जनरल रूल है, यदि हम लोग लीगल में जाएंगे तो ये लीगल में ही रूल है। यदि मुझे पार्ले जी बिस्किट वाले, हम मेरे पास एक जनरल स्टोर है, मैं पार्ले जी बिस्किट वाले, पार्ले जी कंपनी बोल रहा है कि ये इसका प्राइस 5 रुपया है, आप इसको 4.5 रुपया में ही बेचना है, तो मैं यदि 5 रुपया बेच रहा हूँ तो मेरे नाम से पार्ले जी केस कर सकता है। ओके, है ना, ये इलीगल हो जाएगा। तो जब हम गवर्नमेंट के पोर्टल में काम कर रहे हैं तो गलत तो कर नहीं सकते ना, वो प्रॉपर आपका सही है सर, बट समटाइम्स क्या होता है, मतलब यहाँ पे समटाइम्स नहीं चलेगा ना सर? नहीं नहीं नहीं, आप समझ लीजिए सर कि कभी कभी क्या होता है कि समझो कोई पर्सन जो उनका ऑथराइज है, ठीक है, तो उन्होंने अगर यहाँ पे लिस्टिंग किया है तो वो मेरे कंपटीशन में आ जाएगा, ठीक है, बराबर। अगर उसने लिस्ट आउट नहीं किया है तो क्लियरली मैं ही उसका ऑथराइज होगा, ठीक है। बट ऐसा है कि कंपनी ने ऑथराइजेशन उनको दिया है, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि कंपनी बोलती है कि आप भी लिस्ट आउट करो और आपको भी हम ऑथराइजेशन देंगे। बराबर है सर, ये हाँ। आपके और ओईएम के बीच का मामला है। ओके, ओईएम ने बोला तो परमिशन है तो नहीं आप बेच सकते हो, ओईएम ने बोला नहीं है तो फिर नहीं बेच सकते। ओके ओके, क्योंकि ओईएम के मर्जी के आप अगेंस्ट में नहीं जा सकते। ओके, चलिए संतोष सर। हाँ सर, इसका मतलब कि हमारा अपना ओईएम पैनल नहीं है तो हम वही प्रोडक्ट इसमें पब्लिश कर सकते हैं जिसमें रीसेलर नॉट वेरीफाइड बाय ओईएम? मैंने ऐसा नहीं बोला। कैटलॉग नॉट वेरीफाइड बाय ओईएम? हाँ, वो पेयर करने के लिए आप उसी प्रोडक्ट को कर सकते हो। और यदि आपको वेरीफाइड वाला करना है तो आपको उससे ओईएम का परमिशन होना चाहिए। हाँ सर, हमें स्टार्टिंग में तो ओईएम का परमिशन मिलेगा नहीं। हाँ, तो फिर आप वही प्रोडक्ट आपके लिए रहता है जो दोनों नॉट वेरीफाइड है, जो भी ब्रांड का। ठीक है सर, चलिए तो हम और एक प्रोडक्ट लेते हैं मार्केट में से। बोलिए, अभी दूसरा कोई कैटेगरी बताइए, किसी का भी कोई भी कैटेगरी बता दीजिए। कंप्यूटर का बताइए। पावर बैंक, कंप्यूटर वगैरह बताता हूँ, वो Q2 में आता है। Q2 का रूल अलग है, Q3 एंड Q4 का देख रहे हैं, पावर बैंक और मोबाइल एंड लैपटॉप। देखो यहाँ पे लिखा आता है, ये भी Q2 में है, तो हम लोग Q2 के बारे में अभी नहीं देख रहे, हम लोग फिलहाल सिर्फ Q3 एंड Q4 का देखेंगे। Q2 का नॉर्म्स अलग है जो हम लोग बाद में देखेंगे। पावर बैंक अभी Q2 में कर दिया, पहले ये Q3 में था। बोलिए दूसरा, और मल्टी पारा मॉनिटर भी आईटी का प्रोडक्ट है, ये भी Q2 का ही रहेगा। बोलिए, टेबल हाँ टेबल रहेगा, टेबल है ना, टेबल में देखो कैसा है, एग्जीक्यूटिव टेबल है, कंप्यूटर टेबल है, टेबल कंप्यूटर टेबल नीचे ये ना, ये Q3 का है ना। हम लोग अभी Q3 और Q4 दोनों में से कोई, ये तो अनब्रांडेड है, अनब्रांडेड में दोनों नॉट वेरीफाइड रहेगा ही रहेगा क्योंकि वो अनब्रांडेड है, ये तो हमें पता ही है, दोनों नॉट वेरीफाइड रहेगा। इस प्रोडक्ट का तो हमने आपको बता दिया, अभी हम लोग एक ब्रांड का लेते हैं, डिवेंट कलेक्शन। इसका देखो क्या है, बोलता है ये वेरीफाइड है या नहीं है। देखो ये दोनों वेरीफाइड, ओईएम वेरीफाइड है और कैटलॉग भी वेरीफाइड। ऐसे कंडीशन में देखो मैं अभी इस प्रोडक्ट का पेयर कर रहा हूँ, है ना। तो इस प्रोडक्ट का पेयर करने के लिए देखो अभी क्या सिनेरियो बदल जाएगा, इसको कहते हैं हम लोग सेल दिस आइटम, सेम प्रोसेस
प्रोडक्ट का रेट कितना है देखो इसका 17,600। कौन कहाँ बेच रहा है वो भी देख सकते हैं, कोई नहीं बेच रहा है, सिर्फ ओएम खुद बेच रहा है, शायद ओएम ही बेच रहा है क्या या रिसेलर बेच रहा है इसको। कहाँ गया ये सेल्ड बाय रिसेलर बेच रहा है, रिसेलर बेच रहा है ना, हाँ ये सोल्ड बाय रिसेलर, ओएम नहीं बेच रहा, कोई रिसेलर बेच रहा है। ओके पेयर का प्रोसेस सेम प्रोसेस, सेलर एज ए रिसेलर, हम रिसेलर रहेंगे। अभी कंपनी से ऑथराइजेशन नंबर मिला है तो वो डाल दीजिए, मुझे तो कुछ भी नहीं है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, एनए ही डाल देता हूँ, या फिर आपके पास कोई ऑथराइजेशन नंबर है इस ब्रांड का तो डाल सकते हैं, है ना। मेरे पास तो कुछ भी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कोई भी। ऑफर प्राइस क्या भर पड़ता है, हमारा तो प्रोडक्ट लिस्टिंग होने वाला नहीं क्योंकि ओएम वेरीफाइड है। यहाँ बेचना चाहते हैं वो लोकेशन का पूरा डिटेल्स वो डाल सकते हैं, मैं महाराष्ट्र में दमंदी हूँ, ऑल ओवर इंडिया बेचना चाहता हूँ, चलो तो ऑल ओवर इंडिया। बट मैं नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगह पे नहीं बेचना चाहता, नागालैंड में नहीं चलेगा मुझे, मेघालय में नहीं, मणिपुर में नहीं, मिजोरम में नहीं, बाकी बेचना चाहता हूँ तो मैं वो सब निकाल सकता हूँ, पांडिचेरी में नहीं बेचना चाहता, है ना, सिक्किम में नहीं बेचना चाहता तो मैं वो जगह निकाल भी सकता हूँ, मैंने वाली ये डिस्ट्रिक्ट ये छोड़ के कोई डिस्ट्रिक्ट बेचना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल सकते हैं, नहीं तो ऑप्शनल है। करंट स्टॉक कितना है आपके पास, मेरे पास 1000 स्टॉक है इस प्रोडक्ट का मिनिमम 10, ठीक है, इसका है 1 to 45 days, तो मैं कभी भी यहाँ पे मैक्सिमम डाल देता हूँ, उससे पहले डिलीवरी कर दूंगा तो अच्छी बात है, पर मैं उससे डेट से बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। 45-7 प्रोसीड, सेम प्रोसेस बोला मैंने, रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन को क्लिक करना है, विंडो को क्लोज, एक्सेप्ट और ये कैप्चा। कैपिटल में डालना पड़ेगा, ओके एंड देखो ग्रेट योर प्रोडक्ट इज सक्सेसफुली अपलोडेड, है ना, एंड विल बी पब्लिश लिखा था पहले, अभी क्या लिख रहा है इज पेंडिंग फॉर ओएम अप्रूवल, ये किसके लिए ओएम से अप्रूवल के लिए चला गया, मतलब जो ब्रांड का प्रोडक्ट है उसके पास ये अप्रूवल के लिए चला गया। देखो ये प्रोडक्ट AB1 का है ना, ये ब्रांड का है, ये तक अभी पब्लिश नहीं हुआ, ये टेबल है, ये कौन से ब्रांड का है तो डिवेंट कलेक्शन का है, अभी ये ब्रांड के पास चला गया, इनके पास ये जो कंपनी है उनके पास चला गया जिसने ओएम बनाया है, और फिर वो अभी इसको अप्रूवल करेंगे तो ही मेरा प्रोडक्ट लिस्टिंग होगा, नहीं तो मेरा प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं होगा। अभी ये प्रोडक्ट लिस्टिंग, पर ये वाला प्रोडक्ट हमारा लिस्टिंग हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लेता है, कोई प्रॉब्लम की वजह से ले रहा है, 1 मिनट भी नहीं लेता। डिंपल मैडम बोलिए, पर अप्रूवल OEM देगा, इसमें जेम का कोई रोल नहीं है। और सर एक OEM वाला भी प्रोडक्ट कैटलिंग लिस्टिंग करना सीखा, ठीक है, मतलब हेलो ठीक है क्लियर हो गया। ये है हमारा डिटेल्स किसका पेयर करने का, हमने सिर्फ पेयर बताया, मतलब मार्केट में यदि कोई प्रोडक्ट है और सेम प्रोडक्ट में बेचना चाहता हूं तो ये प्रोसेस हमारा प्रोसेस को बोलेंगे पेयर, जो मैंने अभी आपको करके बताया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लोन और न्यू, क्लोन किसको बोलते हैं और नया प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट आप नया भी पब्लिश कर सकते हो, वो भी मैं आपको तरीका बताता हूं एकदम प्रॉपर इजी से,